BNYS के लिए अप्रूव्ड है क्या? तो BSY के लिए आयुष चाहिए, आयुष हमारे पास है नहीं। तो तो क्या दिक्कत आने वाली है आगे जाके? रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में बाद में दिक्कत आती है में दिक्कत आती है। उसको जी। अभी BNYS के लिए MCI जो ग्रैंड लगता है वो लगता है या नहीं लगता है? क्या लगता MCI है? अभी सिंघानिया यूनिवर्सिटी में MCI नहीं है ना? नहीं, MCI नहीं है हमारा, हाँ, हमारे पास तो कोई भी काउंसिल नहीं है। कोई भी काउंसिल नहीं है। फिर मैम डिग्री लेने के नहीं, बाद आगे जाके स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है BNYS होने के बाद? प्राइवेट जॉब तो कर ही सकता है, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ सकती है। हाँ गवर्नमेंट जॉब में जी, ओके, खुद का हॉस्पिटल वगैरह डाल सकता है क्या वो? खुद का सेटअप डालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस नहीं हो पाएगा उसका। उससे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैम महाराष्ट्र में जो कॉलेज है वो ऐसा यानी खुलेआम ऐसा बोल रहे हैं कि तुम खुद का हॉस्पिटल डाल सकते हो, आयुष्य में रजिस्ट्रेशन हम अब आपको पता करवा। नहीं, अब वो कैसे करा कर देंगे वो जानेंगे ना, उनका तो मुझे पता नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी से तो ऐसा कुछ नहीं है ना मैम, उनको अलग और नहीं बाकियों को अलग, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं 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 ओके मैम, BNYS के लिए राजस्थान का अप्रूव है क्या सिंघानिया यूनिवर्सिटी को? नहीं बताया ना सर कि कोई भी काउंसिल नहीं है हमारे पास। फिर डिग्री का इतना ही फायदा है कि प्राइवेट में ही जॉब कर सकता है, बाकी कुछ नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके 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 मैम, यही पूछना है, बाकी कुछ नहीं है। आयुष्य में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा क्या आगे जाके जब काउंसिल तैयार काउंसिल नहीं बन सर जाएगा? हमारा कोई भाई फ्यूचर भी प्लान नहीं है कौन से लेने का। फ्यूचर में भी नहीं होगा मैम? नहीं जी, ओके, तो मैम मुझे अभी ये सभी पूरा प्रोसेस करने के लिए उधर आना पड़ेगा पैसे भरने के?